हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज नेक्स्ट सेशन में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपका, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिए और आप लोगों में शेयर भी करिए, और जितना आप लोगों में शेयर करेंगे और देखेंगे इस वीडियो को, उतने ही हम आपका सारे टॉपिक कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम्स में और इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? तो ए आपका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी विंडक्लिफ, सी डेनिस रिचे, या डी मार्टिन कूपर। तो हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो इसका राइट आंसर होगा विंडक्लिफ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज़, यानी इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में मतलब कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ए HTTP, बी टेलनेट, सी UTP, या डी TCP/IP प्रोटोकॉल। सो विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द इंटरनेट? इसका राइट आंसर होगा TCP/IP प्रोटोकॉल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था आपको। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी TCP/IP प्रोटोकॉल, तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है WAIS स्टैंड्स फॉर, यानी WAIS स्टैंड्स फॉर ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, बी वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, सी वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, या डी नन ऑफ दिस। तो WAIS स्टैंड्स फॉर ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। WAIS स्टैंड फॉर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब इज़ नोन एज, वेब के स्पेसिफिक पेज को क्या कहते हैं? ए वर्कशीट, बी डॉक्यूमेंट, सी वेब पेज, या डी None of the। तो स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब इज़ नोन एज अ वेब पेज, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज इज़ द राइट आंसर, तो सी इज़ द राइट आंसर। वेब पेज आपका राइट आंसर होगा। स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each computer connected to the internet is called A client server, B search engine, C web browser, या D none of the above। तो each computer connected to the internet is called as, यानी इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ए क्लाइंट स्लैश सर्वर, सॉरी ये सर्विस नहीं है, सर्वर है। तो क्लाइंट स्लैश सर्वर, ए इज़ द राइट आंसर।
तो ए क्लाइंट सर्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंटरनेट इज़, यानी इंटरनेट क्या है, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सी डायनेमिक सिस्टम या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेट क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है, डायनेमिक सिस्टम भी है, तो तीनों ही आपके करेक्ट होंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है, ए हॉटमेल, बी रेडिफ, सी व्हाट्सएप या डी याहू। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर होगा व्हाट्सएप, ये प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी तीनों जो है आपके करते हैं, व्हाट्सएप को छोड़ के बाकी तीनों करते हैं, व्हाट्सएप में आप मतलब फ्री ईमेल इसमें प्रोवाइड नहीं करता है, तो सी आपका व्हाट्सएप इज़ द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में डू नॉट नॉट का बहुत यूज़ होता है, तो इससे कन्फ्यूजन होती है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंड, यानी किस वर्ष में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था, 1982 में, बी 1992 में, सी 1977 में या डी 1971 में। ईमेल से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी करेंटली आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि आप मतलब अभी रिसेंटली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए और याद, एक ही बार में आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं रिमाइंड हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 1971, तो डी इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर द फर्स्ट ईमेल वॉज सेंड, इन 1971, तो 1971 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है IRC स्टैंड्स फॉर, ए इंटरनेट रिसोर्स चैनल, बी इंटरनेट राउटिंग चैनल, सी इंटरनेट राइट्स काउंसिल या डी इंटरनेट रिले चैट। तो इसमें IRC स्टैंड्स फॉर इंटरनेट रिले चैट, तो डी इंटरनेट रिले चैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है और 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चंस में, आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, CCC वाले में भी पूछा गया है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP is associated with, A TCP/IP protocol, B electronic mail, C internet explorer या D WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि SMTP is associated with, सभी लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर बताइएगा, सब लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा और अपने प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए और हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करवाना चाहते हैं, तो हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे, अपनी तरफ से ट्राई करेंगे करवाने का। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।